Hello students, today we will learn subject maths and today's our topic is chapter number 12 money. तो हमारे topic का नाम क्या है? money यानी कि पैसे या तो फिर currency. तो आज हम हमारी currency के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले उसमें हम क्या देखेंगे? coins. Coins currently in use in India. जो हमारे coins चलते हैं इंडिया में वो currency. तो ये किसका coin है? ये 1 rupee का coin है जो हमारे currently यानी कि इंडिया में चलता है वो. और दूसरी तरफ ये coin कैसा दिखता है? दूसरी तरफ ये coin ऐसा दिखता है. ये 1 rupee का कॉइन है. फिर ये 2 rupee का कॉइन है. और दूसरी तरफ ये भी ऐसा ही दिखता है जैसा 1 rupee का कॉइन दिखता है. फिर ये है 5 rupees का कॉइन. जो 5 rupees का कॉइन होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है यहाँ पे? 5. और दूसरी तरफ ये कॉइन ऐसा दिखता है. देखा ना आपने? यस. तो देखो यहाँ पे ये 1 rupee का कॉइन है, ये 2 rupees का कॉइन है और ये 5 rupees का कॉइन है. फिर ये है 5 rupees की नोट्स. क्या है ये? 5 rupee की नोट. और दूसरी तरफ ये ऐसे दिखती है और उसमें यहाँ पे 5 लिखा होता है. तो ये कितने रुपीस होते हैं? 5 rupees. देखो यहाँ पर भी लिखा है 5 rupees. फिर ये क्या है? यस, 10 rupees की नोट है. ये क्या है? 10 rupees की नोट है. और दूसरी तरफ ये ऐसे दिखती है. तो देखो यहाँ पर भी लिखा है 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, है ना? और यहाँ पर क्या लिखा है? 10 rupees. तो ये हमारी 10 rupees की नोट है. फिर ये 20 rupees की नोट है. 20 rupees है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ. यस, और ये कौन है? गांधी जी. गांधी जी कौन है? हमारे नेशनल फादर. और दूसरी तरफ ये नोट ऐसे दिखती है. इसमें क्या है? एलोरा की गुफाएं है. तो इसको क्या बोलते हैं? 20 rupees की नोट. देखो यहाँ पर भी लिखा है 20 rupees. फिर ये क्या है? यस, 15 rupees की नोट है. ये कितना है? 50 rupees. देखो यहाँ पर लिखा है 50. यस. फिर ये कितने रुपीस की नोट है? यस, 100. ये 100 rupees की नोट है. और दूसरी तरफ ये ऐसे दिखती है और देखो यहाँ पर लिखा है 100 rupees. तो ये भी सारी हमने जो कॉइन्स और नोट्स देखी उसको क्या बोलते हैं? करेंसी. ये करेंसी है जो अभी करंटली हमारे इंडिया में यूज करते हैं. कॉइन्स करंटली इन यूज इन इंडिया. तो करंटली यानी कि अभी जो रिसेंटली हमारे इंडिया में जो कॉइन्स चलते हैं वो ये 1 rupees का, 2 rupees, 5 rupees और ये 10 rupees का कॉइन है. तो ये सारे कॉइन्स है वो अभी हमारे इंडिया में करंटली यूज होते हैं. फिर है नोट्स करंटली इन यूज इन आवर करेंसी. तो हमारे करेंसी में जो नोट्स यूज होते हैं वो ये है. ये 5, 10 rupees का नोट. फिर ये 20 rupees का नोट. ये 50 rupees का नोट. और लास्ट में ये 100 rupees का नोट है.
तो ये सारे नोट्स हैं वो हमारे इंडिया में यूज होते हैं। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। हमें कॉइन्स का यूज करके उसका अमाउंट क्लियर करना है। देखो यहाँ पे 1 रुपी है, यस, तो यहाँ पे हम किसका कॉइन ड्रॉ करेंगे? 1 रुपी का। फिर है 2 रुपीस, तो हम यहाँ पे 2 1 1 के कॉइन लेंगे। देखो ये 1 और 1, यहाँ पे हमने कितने कॉइन्स लिए 1 रुपीस के? 2 कॉइन्स लिए। फिर यहाँ पे फिर से 2 रुपीस, तो यहाँ पे हम 1 कॉइन भी रख सकते हैं 2 रुपीस का, यस। फिर है 3 रुपीस, तो 3 रुपीस को हम कैसे करेंगे? 2 रुपीस का कॉइन और 1 रुपीस का कॉइन, तो ये 3 रुपीस हो गए, यस। फिर से 3 रुपीस, तो उसको हम कैसे करेंगे? 1 रुपीस का कॉइन, दूसरा 1 रुपी का कॉइन, फिर तीसरा 1 रुपी का कॉइन, तो यहाँ पे 3 कॉइन हो गए, यस। तो ये कितने रुपीस होंगे? 3 रुपीस। फिर है 4 रुपीस, तो हम 2 रुपीस के 2 कॉइन्स लेंगे तो हो जाएंगे 4 रुपीस, यस। फिर 4 रुपीस, अगर हम फिर से 1 1 रुपीस के 4 कॉइन्स लेंगे तो 4 रुपीस हो जाएंगे, यस। फिर 1 कॉइन 2 रुपी का, और फिर 1 1 दो बार 1 रुपी का कॉइन लेंगे तो टोटल कितने होंगे? 4 रुपीस। फिर है 5 रुपीस, तो 5 रुपीस का कॉइन होता है, यस। तो यहाँ पे हम 1 5 रुपीस का कॉइन ड्रॉ करेंगे, फिर से 5 रुपीस, तो फिर से अगर हमें 5 रुपीस करने हैं तो 2 रुपीस का 1 कॉइन, 2 रुपीस का दूसरा कॉइन और 1 रुपी का 1 कॉइन, तो कितने होंगे टोटल? 5 रुपीस। फिर 2 रुपी का 1 कॉइन, 1 रुपी का 1 कॉइन, 1 रुपी का फिर से 1 कॉइन, फिर से 1 कॉइन, तो 2 3 4 5, तो कितने हुए? 5 रुपीस। और अगर हम 5 टाइम्स भी 1 रुपी के कॉइन लेंगे तो कितने होंगे? 5 रुपीस। तो आपको यहाँ पे 5 1 रुपी के कॉइन ड्रॉ करने हैं। फिर है 6 रुपीस, तो 5 रुपीस का 1 कॉइन और 1 रुपी का 1 कॉइन, तो कितने होंगे? 6 रुपीस। फिर से 6 रुपीस, तो 2 रुपीस के अगर हम 3 कॉइन लेंगे तो कितने होंगे? 6 रुपीस। फिर से 6 रुपीस, 2 रुपीस के 2 कॉइन्स और 1 रुपी के 2 कॉइन्स, तो टोटल कितने होंगे? 6 रुपीस। फिर है 2 रुपी का 1 कॉइन, 1 रुपी का 1 2 3 और 4, तो 1 रुपी के 4 कॉइन, तो 2 रुपीस के 1 कॉइन, तो कितने होंगे टोटल? 6 रुपीस। फिर 6 रुपीस के लिए फिर से हम 1 रुपी के 6 कॉइन लेंगे तो कितना होगा? 6 रुपीस। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड गेस द प्राइस। तो आपको इसमें क्या करना है? आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इसकी प्राइस आपको गेस करनी है और इसमें लिखना है, ठीक है? और ये आपको आपके खुद करना है।